कि बीमारी नूं अपने नाल चवेड़ के नहीं रखीदा, अपने दिमाग नूं अपने दिल नूं स्ट्रांग रखो कि डर के घरे बैठे नाल कुछ नहीं होना। मेरी बेटी ने आना सीगा पर मैं क्या नहीं मैं ही चल रही हूँ क्योंकि मैंने तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं मानती नहीं कि मैं बीमार हूँ। बड़ी देर बाद न्यू अमृतसर दी जड़ी लेडीज दी टीम उन्होंने मिल रही हैं, परिवार दी तरह ही रही हैं हमेशा। तो शिवानी ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो मेरी बेटी ने आना सीगा पर मैं क्या नहीं मैं ही चल रही हूँ क्योंकि मैंने तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं मानती नहीं कि मैं बीमार हूँ। सो इसलिए मेरा मैनू लगता है कि डॉक्टर होने के नाते मेरा एक बहुत वड्डा मैसेज है सारे लोगों नूं कि बीमारी नूं अपने नाल चवेड़ के नहीं रखीदा, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं हमेशा सबनों कहा है कि कुछ अंग जो तो खराब हो जाता है उन्होंने बाहर कट देंगे, तो तुम अपने दिमाग नूं अपने दिल नूं स्ट्रोंग रखो कि डर के घरे बैठे नाल कुछ नहीं होना। परमात्मा ने ना तो अपन पिछले पल च फिक्र करके कुछ देना है, ना अगले पल का फिक्र करके कुछ देना है, तो आही पल दिता है, तो यही पल के मेरी चॉइस तो यह है कि मैं बहुत खुश रहा, तो मैं मस्त रहा, तो मैं मस्ती कर रही हूँ। उस तो बुरी गल हो नहीं सकती, अज तियां का दिन है, उस तो शर्मनाक हिंदुस्तान ले कोई गल नहीं हो सकती। मैं किसी नूं ब्लेम करते बिना मैं कहनी हाँ कि अज साडे सारिआं दा सर शर्म नाल चुकिया होया, चाहे वह पुलिस होवे, चाहे वह लीडर हो, चाहे वह लोकल बंदे हो, जिहड़े बंदिआं ने उह कीता, मतलब उन्होंने खून कितने है, मतलब हिंदुस्तान का खून है, मैं इस गल से मैं शर्मिंदा। मैम आम आदमी पार्टी आई ही कहना रहे इन्होंने 100 एकड़ के ऊपर माइनिंग के ऊपर एक बंदे ने जमीन लॉट कर दी है। पता की है वो नवी नवी जो नेरी चलती है ना, तो उदो उन्होंने को कैंडीडेट्स भी नहीं सके, नेरी चली सी जी वो चली सी ईमानदारी की, क्योंकि लोग पिछले बंदियों तो बहुत तंग हो चुके थे, तो असी अपनियां सफाइयां नहीं कीतियां, या तो साड़ियाँ पार्टियाँ सफाइया कर लेंदियाँ, तो असं दिखा देंगे भी असी चोर कटते, असी अच्छे बंदे अगे लैके आ रहे हैं, तो नेरी ना वगदी, हूँ जो नेरी वगी तो सारे की लॉटरी लग गई, हूँ सारे की लॉटरी लग गई, तो उन्होंने 75% तो हजे MLA हैं जिन्होंने MLA का हजे तक मतलब भी नहीं समझ आया, ना उन्होंने समझ आया कि MLA की कुर्सी पर बैठ के काम की करना, ठीक है ना। सो ये करप्ट भी आए, क्योंकि ये बाहरों नहीं आए लोग, ये साढ़े चो चोर गए हुए हैं, वो साढ़े चोर BJP च गए हैं, हूँ साढ़े चोर आप च गए हैं। सो ये आपस की होंगे कि अजकल जो धंधा बन गया ना पॉलिटिक्स, कि तुम एक जितना है, तुम अज पार्टी आ छड़ के सानू साढ़े कहें उत्थे चली जाओ, उत्थे चली जाओ, क्यों चली जाओ, साड़ी पार्टी हार गई, असं घर बैठे असं ओन करते हैं भी साड़ी पार्टी हारी है, पर कितने होर जंप करके किसी तो कुछ खो लेना वो मतलब नहीं होंगे, ये होंगे कि तुम कुर्सी पर बैठ के कितना काम कर सकते हो। हूँ मेरे अमृतसर ईस्ट लोगों एन पर्दा साफ हो गया भई वो किन्ना कोदा कैलिबर है, वो जनानी ने किन्ना काम किया MLA ने, वो मेरे पुराने जड़े हैगे हैं वो ही काम उन्होंने उद्घाटन करी जा रहे हैं, उन्होंने पता ही नहीं काम किमें कराया जाता है, पैसा दब के लुट रही है, वो खुलेआम चल रहा है, कोई गल नहीं, वो काम रोक दी है, पैसा लेंदी है, काम चला दी है, रेजिडेंशियल एरिया होटल बनवा रही है अपने साइन करके, उन्होंने आता ही नहीं, एज MLA तुम काम की करने हैं ना, तो बहुत भारी पैन वाला है, तो उन्होंने चंगे लोग भी है जो चंगे काम कर रहे हैं। मैं खुश हाँ कि थोड़ी जी नीटनेस हो रही है, मैं अज खुश हाँ जो उन्होंने मेन क्या है हाईवेज से 5,000 बंदे इंप्लॉय होंगे, क्योंकि ये मेरी हर चीफ मिनिस्टर को पहली चिट्ठी गई है कि जो मैं हाईवे पर जानी हाँ ड्रंक लोग ओवरटेक कर रहे होंगे, मैं दिख रहा होंगे कि बंदे अगे जाके मरणगे, अगे जाके कार क्रैश करती है, पर वो साडे च भी करती है। सो मैं चाहनी हाँ कि हाईवेज़ के उत्ते एक पुलिस होवे जिते बहुत स्ट्रिक्ट थोड़ी चेकिंग होवे, दारू पी के ना कराओ, गलत ना कराओ, गलत नंबर ते ना हो, सो लोगों जनानियों को हौसला मिलेगा कि जगह जगह पर पुलिस खड़ी है, सो दैट इज़ अच्छा गल भी हो रही है, पर आ भी माड़ी गल सी भी जनानी के नाम से ठेका खोलता, भाई पंजाब का कल्चर नहीं है, वो तीन दिन ही वो उतारता उन्होंने बोर्ड, उन्हें तो सोचा सी भी मैं भी बड़ी पीना, चलो बीबियां भी खुल के पी लेंगियां, सो वो दारू में बड़ी फेवर करता है, पर यह गल ठीक नहीं है, बिकॉज ये साडे कल्चर के अगेंस्ट है, पंजाबी कल्चर नहीं अलाउ करता। हिंदी खेती दे हमेशा फौरा हिमाचल सरकार ने ले लिया, वेस्ट बंगाल ने ले लिया, साडा किसान कदे भी कर्जे ते मुक्त नहीं होएगा, हमेशा परेशान, हूँ की होया डुब गई ना सारी, तो जे मैं थोनू कह लोकल बेचन ही नहीं देनी, 35 वरायटी हैं, मैं अज मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है, मैं यमुनानगर जानी हूँ, मेरे मॉर्फिन का टीका लगता है, जो तो मैं दर्द ज़्यादा है, इतने मॉर्फिन बैंड है,
मैं तुहानूं की कहानी पा रही हाँ बई इहदे च 35 वरायटियां इहो जिहियां जिहड़ियां किसानां नूं लखपति बना देणगियां। किने कहा जदों तक फीम खांदा सी किसान नूं कोई बीमारी नहीं सी, सिंथेटिक ड्रग नहीं सी बिकदी, तुसीं लोकां नूं नशां दे नाल, मैनूं अज्ज गिनती करवाओ किन्ने बंदे मरे हैं, किन्ने बंदे रोज़ मरते हैं आ टीके ला ला के, किहड़ा तुहानूं सिंथेटिक ड्रग तुहानूं चैक करके मिल रही है दुकान ते, जदों दुकान ते फीम ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਫੀਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਵ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੇਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਮਿੱਤਰ। ਮੈਮ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੂਜ਼ਲੀ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝੋ, ਆਪਸ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।